दोपहर के 1 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद, देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज। करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बड़ी खबर, राजनीतिक दल सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में भूमि अधिग्रहण विधेयक लाने पर सहमत हो गए। बिल को लेकर मतभेदों के बीच आज सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री कमलनाथ और लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर हमारे बीच व्यापक सर्वसम्मति बन गई है। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास विधेयक को लेकर इससे पहले 9 अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद से ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे थे ताकि जिन मसलों पर असहमति है उन्हें दूर किया जा सके। बीजेपी ने सुझाव दिए थे, वामपंथी दलों ने कई सुझाव दिए थे। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मिथिलेश, फोन लाइन पर लाइव। मिथिलेश, बीजेपी का अपना रिजर्वेशन था, वाम दलों का अपना रिजर्वेशन था, समाजवादी पार्टी के कुछ और मुद्दे थे और तकरार का विषय कई जेडीयू ने भी रखा हुआ था। ये बताइए, बोन ऑफ कंटेंशन के जो पॉइंटर्स थे, क्या उस पर पॉलिटिकल कंसेंसस बन गया है पूरी तरह? राशिद, आम सहमति नहीं कह सकते हम, लेकिन जैसा कि खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कमलनाथ ने भी कहा कि आज तक किसी बिल पर आम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन मोटा मोटी सहमति बन गई है। हालांकि लेफ्ट ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि लेफ्ट संशोधन लाएगा लोकसभा में और राज्यसभा में, और जिसे अगर संशोधन नहीं माना गया तो उस पर वोटिंग भी अपनी तरफ से मांगेगा, मतलब सरकार के खिलाफ मतदान की मांग करेगा लेफ्ट। लेकिन सरकार के लिए राहत की बात है कि बीजेपी ने अपनी सहमति दे दी है। आज ऑल पार्टी मीटिंग से निकलकर सुषमा स्वराज ने कहा कि अपनी तरफ से बीजेपी ने 12 पॉइंट के संशोधन किए थे, जिसमें 11 सरकार ने मान लिए, एक लीज वाली बात थी जिसको सरकार ने कहा कि राज्य का विषय है, इस मसले पर आगे समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। जहां तक जेडीयू की बात है, जेडीयू ने अपनी तरफ से फिलहाल कोई पॉइंट रेज नहीं किया है। जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने निकलकर भी कहा कि हम सहमति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और कुल मिलाकर अगर आप कहें तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तारीख तय कर ली जाएगी। अब लैंड एक्विजिशन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश करने की तैयारी सरकार अपनी तरफ से कर रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था मिथिलेश, नए मसौदे में ये प्रावधान किया गया, ये प्रोविजन किया गया कि निजी कंपनी राज्य सरकार को एक निश्चित कीमत देकर खेतिहर जमीन को अक्वायर कर सकेगी, उसका अधिग्रहण कर सकेगी, और ये कीमत खाद्य सुरक्षा के नाम पर ली जाएगी और राज्य सरकारें तय करेंगी। इस पर मुख्तलिफ पार्टियों की राय क्या रही? मिथिलेश, आप हैं मेरे साथ? चलिए, मिथिलेश से हमारा संपर्क टूट गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भूमि अधिग्रहण बिल पर आम सहमति बनी है। हालांकि व्यापक आम सहमति भले ही इसे भारतीय जनता पार्टी कहे, लेकिन इसे पूरी तरह से आम सहमति मेरे सहयोगी मिथिलेश नहीं कह रहे। हालांकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री इस बिल पर आम राय बनाने के लिए लगातार अलग अलग पार्टियों से मिलते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।